नमस्कार, आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौर। स्वागत है हमारा हमारी खास पेशकश पानी पर सियासत में आपका। और देश के 10 राज्य सूखे की मार झेल रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, पानी की बूंद बूंद को लेकर हर तरह त्राहिमाम हो रहा है। लातूर की प्यास बुझाने की राजनीति में नेता खुद कूद पड़े हैं और अपनी राजनीति को चमकाने की होड़ में एक दूसरे से आगे निकलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कोई लातूर भेजी गई ट्रेन पर अपने पोस्टर लगाता है तो कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री लातूर को 10 लाख लीटर पानी देने की पेशकश कर डालते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पानी की कमी के चलते लोग तिल तिल मरने को मजबूर हैं। ऐसे में क्यों ये सियासी लोग कर रहे हैं सियासत? जी हाँ, केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में दिल्ली की तरफ से लातूर को 10 लाख लीटर पानी मुहैया कराने की बात कही है, लेकिन लातूर को पानी देने का ऑफर महाराष्ट्र सरकार ने ठुकरा दिया है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि लातूर की जरूरत को पूरा करने के लिए राज्य के पास पूरा इंतजाम है और फिलहाल किसी दूसरे राज्य की मदद की जरूरत नहीं है। देश के 10 राज्य भयंकर सूखे की चपेट में हैं। राज्य भीषण जल संकट से गुजर रहे हैं। सूखे ने किसानों की रीढ़ तोड़ दी है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। नदियां सूख रही हैं। लेकिन ऐसे मौके पर देश के नेता अपनी राजनीति सींचने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। कोई लाखों लीटर पानी भेजने का दावा कर रहा है तो कोई लातूर पहुँची पहली जल ट्रेन में बैनर पोस्टर लगा कर क्रेडिट ले रहा है। इन सबके बीच नेताओं को उन लोगों की जरा भी परवाह नहीं है जो लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। लातूर के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने पहली जल ट्रेन भेजकर थोड़ी राहत देने की कोशिश जरूर की है। वहीं संकट की घड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दरिया दिली दिखाते हुए लातूर को हर रोज 10 लाख लीटर पानी भेजने की पेशकश दी है। लेकिन जो दिल्ली पानी के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर हो, वे दूसरों की प्यास कैसे बुझाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। सबको सपोर्ट करना चाहिए। उसमें तो मैंने तारीफ की है कि प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव लिया है ट्रेन से पानी पहुंचाने का, वो बड़ा अच्छा है। हमने अपनी तरफ से एक उसमें सहायता का ऑफर किया है और मुझे लगता है कि सभी मुख्यमंत्री इसमें तो साथ आएंगे। मैंने तो ऑफर किया है कि 10 लाख लीटर पर डे हम देने के लिए 2 महीने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल का ये ऑफर दिल्ली वालों के लिए हैरान करने वाला है। दिल्ली में ऐसे कई इलाके हैं जहां पानी 2 दिन में एक बार आ रहा है। आलम ये है कि जब इन इलाकों में पानी का टैंकर आता है तो लोगों का हुजूम पानी लेने के लिए टूट पड़ता है। कई बार तो पानी लेने के लिए लोग आपस में ही भिड़ जाते हैं। वहीं केजरीवाल के इस ऑफर पर बीजेपी ने तीखा प्रहार किया है। बीजेपी ने कहा है कि पहले केजरीवाल दिल्ली के लोगों की प्यास बुझाएं, उसके बाद लातूर भेजने की सोचें। यानी साल शुरू हो गया है और अभी दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग करने की भी सरकार को फुर्सत नहीं है और आप सिर्फ ट्वीट करके लोगों का ध्यान मुख्य समस्या से हटाने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। अगर आप सीरियस थे लातूर पानी भेजने के लिए तो क्या आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की? क्या आपने रेल मंत्री से बात की? आप हर बात को अगर प्रधानमंत्री से करने की बात करते तो इसका मतलब साफ है कि आप राजनीति कर। केजरीवाल के इस पॉलिटिकल स्टंट के बाद मजेदार बात ये रही कि जिस तेजी से केजरीवाल ने लातूर के लिए हर दिन दिल्ली की तरफ से 10 लाख लीटर पानी भेजने का प्रस्ताव दिया, उतनी ही तेजी से महाराष्ट्र ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा भी दिया। महाराष्ट्र सरकार ने केजरीवाल के ऑफर के बाद कहा कि लातूर की जरूरत को पूरा करने के लिए राज्य के पास समुचित व्यवस्था है और फिलहाल किसी दूसरे राज्य की मदद की जरूरत नहीं है। इस पर केजरीवाल ने कहा कि हमने तो ऑफर किया था, अब उनको नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल जिस तरह से देश में जल संकट पर सियासत हो रही है, उससे यही लगता है कि आम आदमी को पानी मिले ना मिले, लेकिन पानी पर सियासत करने वाले नेता राजनीति में जरूर चमक जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ए टू जेड न्यूज।
जी हाँ, दिल्ली में पानी भले ही ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का पानी लातूर भेजने की पेशकश जरूर कर डाली। और हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर गर्ग साहब। गर्ग साहब, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके ये मांग की है और कहा है कि 10 लाख लीटर 2 महीने तक रोजाना पानी देने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है, क्या मानते हैं इस बयान को आप? मैं समझता हूँ केजरीवाल जी को इतना सीरियसली लेना कब तक आप जारी रखेंगे मैं समझ नहीं पा रहा। दिल्ली में पर डे की आवश्यकता 250 करोड़ लीटर की है, 800 मिलियन गैलन मोटा मोटा, और उसमें से 10 लाख लीटर पानी देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर पानी दे के 1500 किलोमीटर भेजना, कैसे भेजेंगे? पैकिंग करेंगे, बॉटल खरीदेंगे, टैंकर से भेजेंगे, रेलवे से भेजेंगे, इन सारी चीज़ों को करने के लिए पानी की जो कॉस्ट है वहाँ 10 रुपये लीटर से कम नहीं आएगी भेजने में जी। तो इनके पास क्या जरिया, एक वाहवाही लेने के लिए आज जो पानी भेज रहे हैं रेलवे के माध्यम से जो गया वो 150 किलोमीटर दूर से गया है जी। विद इन महाराष्ट्र के अंदर भी अलग अलग, मराठवाड़ा अलग है, विदर्भ अलग है, बम्बई के पास का इलाका अलग है, पानी तो फिर इससे नर्मदा से भेजना और ज़्यादा ईजी होगा। बिल्कुल, आज नर्मदा सरोवर जो इतना ऊंचा बन गया है, परंतु ये वाहवाही लेने के लिए दिल्ली के लिए, आज दिल्ली के लगभग 35% एरिया जी। जिसमें अभी पानी नल के द्वारा नहीं पहुंचाया जा पा रहा, ये स्थिति अभी दिल्ली की है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की केवल न्यूज़ में रहना, क्योंकि अगले ने तो 500 करोड़ रुपया न्यूज़ के लिए रखा हुआ खर्चने के लिए, जिसके कारण से कुछ लोगों के चश्मे लग गए हैं, कुछ ने पट्टियां बांध ली हैं, जो वो बोलेगा उसके ऊपर पॉजिटिव रिएक्ट करने वाले लोग ज़्यादा हो गए क्योंकि लालची हैं जी। और थोड़ा बहुत जो समझदार हैं वो थोड़ा बहुत ये भी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं क्या ये संभव है। इसलिए इन चीज़ों के ऊपर बन गया ना, 2-3 दिन न्यूज़ में रह जाएगा, इसका क्या बिगड़ गया। चलिए गर्ग साहब, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, सवाल उठ रहे हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा है कि हम 10 लाख लीटर पानी, हम महाराष्ट्र का जो लातूर इलाका है जो जहां पर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है वहां देने के लिए तैयार हैं, और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है, कांग्रेस का भी ये आरोप है कि दिल्ली वालों की प्यास बुझा नहीं पा रही है दिल्ली सरकार और बाहर देने की बात करती है। देखिए, हमारी भारतीय परंपरा रही है कि जब भी देश का कोई हिस्सा परेशान हो, बेहाल हो, मुसीबत में हो, मानवता खतरे में हो, तो उस समय हमारा कर्तव्य बनता है कि थोड़ा अपने अंदर थोड़ी कटौती करके भी उनकी मदद करनी चाहिए। हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति रही है, शायद ये भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज देश का हिस्सा मानवता जी, कि हमें बहुत बढ़ चढ़ के वहाँ पर सहयोग करना चाहिए, वो हम कर रहे हैं मानवता के नाते। अगर इसे राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं तो दुर्भाग्य देश का जी। और जी, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है, कांग्रेस राजनीति के सपने से रहे हैं, इसलिए सोचने का नजरिया उनका अलग है। और अभी मैं सुन रहा था कि जुमान जी बोल रहे थे कि नंद किशोर गर्ग साहब हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं हमारे साथ, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि ऐसे बात बोलने से पहले, ये मानवता का प्रश्न है, इसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो, और सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। और कहीं की भी सरकार हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, या हमारे प्रधानमंत्री जी ने मदद करने की गुहार की और उन्होंने मदद की, तो केजरीवाल जी ने उनका अप्रिशिएशन किया। चलिए अखिलेश जी, हम ये तो बाद में जानेंगे आपसे कि दिल्ली में पानी के लिए क्या क्या आपकी सरकार ने किया है, क्योंकि आप भी दूसरी बार विधायक चुने गए हैं, जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा जानकारी होगी ही। लेकिन दिल्ली से पानी भेज पाना, महाराष्ट्र में भी पानी है और वहीं से अभी फिलहाल जो लातूर है उसको लिए जा रहा है, दिल्ली से पानी भेज पाना दिल्ली सरकार उसका खर्चा वहन करने के लिए तैयार है? खर्चे की बात नहीं कही गई है इस पत्र में? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है, क्योंकि मानवता के को मदद करने के लिए किसी भी
हद तक जाया जाना चाहिए और इसे राजनीति से जोड़कर नहीं लेना चाहिए। मैं गुहार करना चाहता हूं और भी राजनीतिक पार्टियों से कि वो गुहार ना करें, वो ना करें, बल्कि राजनीति से ना जोड़े। भेजना शुरू करवा दो ना भाई, चलिए भेजना शुरू करवाए, ट्रक से भेजें, कैसे भेजें आप हमारे साथ बने। कांग्रेस नेता हमारे साथ सुनील अत्री भी जुड़ गए। सुनील जी, पानी ऐसा है जी, पानी की बात है, पानी तो हर जगह फ्री मिलता है, ये तो सबको मालूम है, जहाँ नदी होती है वो आराम से मिल जाता है। मेन चीज है उसको वहां तक पहुंचाने की जो कॉस्टिंग है वो इतनी ज्यादा है। अरविंद केजरीवाल जो है एक नंबर के झूठे, सारा दिन झूठ बोलना, झूठ से प्रचार में रहना। अली बाबा 67 चोर इकट्ठे हो गए हैं दिल्ली में और पंजाब में, इनको इसका पता चल जाएगा। दिल्ली के अंदर पानी सप्लाई खुद तो कर नहीं पा रहे, जिस दिन से ये सरकार में आए हैं 1 किलोमीटर उन्होंने पानी की लाइन नहीं डाली, 2 किलोमीटर भी सीवेज लाइन नहीं डाली। दिल्ली के अंदर आज बड़ी बुरी तरीके से जॉन्डिस फैला हुआ है, मलेरिया फैला हुआ है, और उसके बाद जो है ये बात करते हैं, आऊंगा मैं आपके पास, इनकी बात सुन लेते हैं सुनील जी की, आऊंगा मैं आपके पास। और ये सारा काम इनका झूठ बोलो। पंजाब में जाएंगे तो कहेंगे भाई हरियाणा को पानी मत दो, हरियाणा में घुसेंगे तो भाई पंजाब से तुम्हारा पानी लेने का हक है, और दिल्ली आकर के ये झूठों के सरदार अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रहे हैं कि हरियाणा और दिल्ली का जो है पानी बनता है। अरे यार कुछ तो शर्म करो, तुम इतने बड़े हुए संवैधानिक पद के ऊपर बैठ गए हो, कुछ तो लिहाज करो, उस पद की लिहाज करो कम से कम। मैं हाथ जोड़ के तुमसे विनती करता हूँ, दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, वो सेंटिमेंटल है, भावुक है, इस नाते तुम्हें बैठाया है, कुछ तो तुम मतलब शर्म करो कि तुम इस टाइप से झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारा मुख्यमंत्री सरेआम झूठ बोल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रहे हैं और वहां जाकर के पंजाब में कह रहे हैं कि पानी मत दो इनको हरियाणा को, हरियाणा ने जब कहा तुम्हारा पानी बंद कर देंगे तो तुम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एफिडेविट दे रहे हो। अरे शर्म करो कुछ। चलिए हमारे साथ आप बने रहिएगा, अखिलेश जी और सुनील जी हैं, ये सुनील अत्री जी जो कांग्रेस नेता हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर गर्ग साहब। और सवाल यही उठता है कि फिलहाल दिल्ली की जो प्यास है वो नहीं बुझ पा रही है पूरी तरीके से, ऐसी स्थिति में कितना जायज़ है कि बाहर पानी भेजने की बात को पूरा किया जाए। और अखिलेश जी से हम जवाब लेंगे कि दिल्ली सरकार ने पानी के लिए और क्या क्या किया है उनकी सरकार ने, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए ए टू जेड न्यूज़ के साथ। के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश पानी पर सियासत में। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लातूर को 10 लाख लीटर पानी भेजने की पेशकश तो कर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही फिर से उठता है कि जो दिल्ली अपनी प्यास बुझाने के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है वो भला लातूर को रोज 10 लाख लीटर पानी कैसे भेज सकती है। देखिए खास रिपोर्ट। लातूर में चल रहे पानी के संकट के बीच बहती सियासत की गंगा में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी शायद ये सोचकर डुबकी मारने की कोशिश की कि उनकी दरिया दिली की हर तरफ तारीफ होगी, लेकिन केजरीवाल का ये स्टंट उनके लिए ही परेशानी का सबब बन गया है। लातूर को 10 लाख लीटर पानी देने के ऑफर के बाद अब हर तरफ उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। सवाल ये है कि जो दिल्ली अपनी प्यास बुझाने के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है वो भला लातूर की प्यास कैसे बुझा सकती है। दिल्ली में अभी अप्रैल से ही पानी का संकट सताने लगा है, लोग पानी की एक एक बूंद को तरसने लगे हैं। पानी के टैंकर की बाट जोते हुए लोगों को घंटों बीत जाते हैं, और जब पानी का टैंकर इन इलाकों में दाखिल होता है तो लोगों में अचानक से मच जाती है अफरा तफरी। पानी के गैलन हाथ में लिए लोग टैंकर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। सबको बस यही चिंता सताती है कि कैसे भी करके उनके बर्तन में पानी भर जाए और वो अपनी प्यास बुझा सके। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं दिल्ली की है मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, तो जरा बताएं जो दिल्ली पानी के लिए इतनी परेशान है उसके मुंह से पानी का घूंट लेकर आप लातूर के सूखे होठों को गीला करने की सोच भी कैसे सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने लातूर पानी भेजने की पेशकश तो कर दी है, लेकिन सच तो ये है कि दिल्ली के पास एक एमजीडी पानी भी अपना नहीं है। अपनी प्यास बुझाने के लिए दिल्ली खुद दूसरे राज्यों पर निर्भर है। ऐसे में अगर दिल्ली को बाहरी राज्यों से मिलने वाले पानी की सप्लाई बंद हो जाती है तो दिल्ली की 75% आबादी प्यासी मर जाएगी।
राजधानी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी का संकट शुरू हो चुका है। जला देने वाली गर्मी के बीच पानी का ना होना अपने आप में काफी बड़ी परेशानी है। दिल्ली के ये कौन से इलाके हैं जहां पानी का संकट बना हुआ है, आपको बता देते हैं। उत्तरी दिल्ली में पहाड़गंज, सदर बाजार, नरेला, बुराड़ी में लोगों को बिन पानी काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार, तुगलकाबाद, देवली, जामिया, मुनिरका में भी यही हाल है। पूर्वी दिल्ली में शहादरा, दिलशाद गार्डन, करावल नगर, भजनपुरा और पश्चिमी दिल्ली में द्वारका, राजा गार्डन, नजफगढ़ पालम में भी पानी के संकट से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। आइए जानते हैं कि पानी की समस्या से जूझती दिल्ली को किस प्लांट से कितना पानी मिलता है और उसकी उत्पादन क्षमता क्या कुछ है। दिल्ली के सबसे ज्यादा क्षमता वाले सोनिया विहार प्लांट से 125 एमजीडी पानी दिल्ली को मिलता है और इसका जल स्रोत गंग नहर है। वजीराबाद प्लांट से 120 एमजीडी पानी दिल्ली को मिलता है और इसका पानी स्रोत यमुना नदी है। हैदरपुर 1 से 110 एमजीडी पानी दिल्ली को मुहैया कराया जाता है और इसका पानी स्रोत मुनक नहर है। हैदरपुर 2 प्लांट में 100 एमजीडी पानी की उत्पादन क्षमता है और इसका पानी स्रोत भी मुनक नहर है। चंद्रावल प्लांट से दिल्ली को 105 एमजीडी पानी मिलता है और इसका पानी स्रोत भी यमुना नदी है। भागीरथी प्लांट से 95 एमजीडी पानी दिल्ली को मुहैया कराया जाता है और इसका पानी स्रोत गंग नहर है। द्वारका प्लांट से 40 एमजीडी और इसका पानी स्रोत मुनक नहर है। नागलोई प्लांट से 40 एमजीडी पानी दिल्ली को मिलता है और इसका स्रोत मुनक नहर है। ओखला प्लांट से 20 एमजीडी पानी दिल्ली को मिलता है और इसका स्रोत मुनक नहर है। बवाना प्लांट से दिल्ली को 15 एमजीडी पानी मिलता है और इसका पानी स्रोत मुनक नहर है। ऐसे में मुख्यमंत्री केजरीवाल किस बिना पर लातूर पानी भेज सकते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ए2जेड न्यूज। जी हाँ, तो जाहिर सी बात है कि पानी की समस्या दिल्ली में भी बहुत ज्यादा बड़ी है और जरूरत के मुताबिक अभी भी उत्पादन दिल्ली में होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आपकी सरकार ने दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए क्या क्या किया है? देखिए, बड़ी बात की द्वारका का प्लांट चालू किया और जिससे द्वारका, मुंडका, रिठाला, भवाना, संगम विहार, पालम, इन सब एरियों में पाइप पहली बार जो है इन विधानसभाओं में पानी की पाइपलाइन से पानी पहुंचना शुरू हो गया लोगों के पास जी। दूसरी बात, नंगली प्लांट को भी मॉडिफाइड करके जो है नजफगढ़ में पानी पहुंचाने का काम हो रहा है और जो बॉर्डर के एरिया है वहां पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है। अभी देवली में पाइपलाइन, और सबसे बड़ी बात है कि 243 अनाथराइज कॉलोनियों में पिछले साल पाइपलाइन बिछाई गई और उससे पानी आना शुरू हो गया। बोल रहे हैं कोई पाइपलाइन नहीं बिछाई गई आपके द्वारा। पहले अखिलेश जी की बात, अखिलेश जी की बात पूरी हो जाने देते हैं। सुनिए, अखिलेश जी की बात पूरी हो जाने देते हैं। अखिलेश जी करें, अखिलेश जी सुन लेते हैं जी। को मना करने की जरूरत नहीं है और दिल्ली की जनता ये विश्वास करती है कि अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं। और जहाँ तक हम कहते हैं, सबसे अपील करना चाहते हैं कि जहाँ तक मानवता का सवाल है, अगर मानवता आज खतरे में कहीं है तो लोगों को त्याग करके उस मानवता की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। इसमें दोनों पार्टियों को राजनीति छोड़नी चाहिए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने छोड़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी का उनकी बढ़ाई की। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं अखिलेश जी, लेकिन अखिलेश जी पिछले 3 दिन से दिल्ली के करना चाहिए मुख्यमंत्री जी जो है अपने जनता को थोड़ा सा त्याग करने के लिए कह करके लोगों को मानवता को जो सहायता वहां पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश जी, पिछले 3 दिन से दिल्ली के कई सारे इलाकों में पानी की सप्लाई बंद है। अखिलेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 3 से 4 दिन से लगातार दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई बंद है, न सुबह पहुंच रहा है न शाम को पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति में बाहर की चिंता करना कितना जायज है दिल्ली की चिंता छोड़कर? बिल्कुल पहुंचाया जा रहा है, जितना ज्यादा से ज्यादा। राठौर जी, चिंता करने में तो टैक्स नहीं लगता, चिंता कर रहे हैं दिल्ली से धीरे धीरे। और पिछले साल में लगभग तकरीबन 12 विधानसभाओं में, जहां पालम में कभी पानी नहीं आया,
द्वारका में कभी पानी नहीं आया, मुंडका में कभी पानी नहीं आया, प्लांट किसने बनवाए थे? चलिए कुछ हमारे साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर गर्ग साहब है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं अखिलेश जी। मैं आप लोगों को राठौर जी गर्ग जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राठौर जी प्लांट प्लानिंग में और बनने में 8 साल लगते हैं, पैदा नहीं हुए ढंग से, और जो चीज हुई रही है नॉर्मल वे में हो रही है वो तो हमने करा दी, और जो नहीं वो मोदी जी, तो मोदी जी से तो कम बात नहीं करना। इनका एक ही ध्येय है कि पंजाब SYL के ऊपर क्या है आपकी पार्टी का स्टैंड, सतलुज यमुना कैनाल से हरियाणा का जो लिंक नहीं बनने दे रहे पिछले 15-20 साल से, वो बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए जी? वो बनना चाहिए तो हरियाणा में पानी आएगा, दिल्ली में उसका हिस्सा अपने आप आएगा, बताएं उसमें क्या स्टैंड है। केजरीवाल जी पंजाब में वोट लेने हैं तो जो शहीद पठानकोट में पंजाब का निवासी था तो उसको 1 करोड़ देंगे, जो अंबाला का निवासी था उसके बारे में नहीं बोलेंगे। शहीद शहीद में भी फर्क है, जहां वोट लेने हैं वहां कफन लेके घूम रहे हैं। चलिए पानी की बात करते हैं, एक बताना चाहूं पानी की बात करते हैं। पानी पहुंचाना तो चाहते हैं ये, लेकिन पानी भेजेंगे नहीं, क्योंकि मुंह से बोलना है, प्रचार में रहना है। अरे भाई अरविंद केजरीवाल जो है इनकम टैक्स में डिप्टी कमिश्नर रहे हैं या असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं, ये सबको मालूम है। 66 ट्रक लगेंगे 10 लाख लीटर पानी भेजने के लिए, और उसके ऊपर 33 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो क्या दिल्ली सरकार इसको वहन करने की पोजीशन में है अखिलेश जी? सिर्फ प्रचार में रहना चाहते हैं अखिलेश जी? सवाल यही उठता है, स्थिति पे रहिए आप। नहीं चलिए अखिलेश जी से जवाब ले लेते हैं। अखिलेश जी सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की क्या जरूरत थी? अगर वास्तव में दिल्ली सरकार ईमानदार है, पानी भेजना चाहती है, तो अपने आप भेज सकती थी, ट्रकों के द्वारा भेज सकती थी, टैंकर जो होते हैं। राठौर जी उत्तराखंड के आपदा के ऊपर करोड़ों रुपए इकट्ठा किया, 1 रुपया नहीं भेजा है। अंतरराज्य मुद्दों में क्योंकि केंद्र सरकार से भी हमें पेशकश करना पड़ता है, और इसके तहत हमने पेशकश करी है, और हमने ये भी अप्रिशिएट किया है कि तुरंत अगर कोई अच्छा काम प्रधानमंत्री जी ने किया तो उसको उसकी सराहना भी की गई है। तो हम कहते हैं गैर राजनीतिक तरीके से इस आए आपदा से निपटने के लिए पूरे देश के लोगों को लातूर के उस हिस्से का। चलिए अखिलेश जी हमारे साथ बने रहिएगा, जहां दिल्ली सरकार लातूर पानी पहुंचाने की बात कर रही है, तो वहीं खुद दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है। पहुंचाएंगे नहीं पानी? हमारे संवाददाता अली अब्बास नकवी ने पानी की स्थिति का जायजा लिया दिल्ली के बेगमपुर इलाके में, वो भी आपको सुनवाते हैं। दिल्ली सरकार ने एक वादा किया था कि हर एक जनता को पानी देंगे, लेकिन शायद वो भूल गए कि ये जो इलाके में जिस वक्त मैं खड़ा हूँ ये भी दिल्ली के अंदर ही आता है, और दिल्ली के अंदर आने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप लोगों को अपने घर के बाद हैंडपम्प लगाने पड़ते हैं, जिसमें से लोगों को एक तो पानी तो मिलता ही नहीं, और दूसरी जगह पे जहाँ ये सड़कें हैं वहाँ आप देख सकते हैं क्या हालात हुई हुई सड़कों के, लोगों को पानी नहीं मिल पाता, उसकी वजह से हैंडपम्प लगा रहे हैं कि उसी की बिना पे हम रह लें। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हैंडपम्प का पानी होता है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं होता। आप हैं किस तरीके से यहाँ पानी आता है आपको? पानी नहीं आता जी, पानी के लिए परेशान रहते हैं। हैंडपम्प जो लगा रखे इसमें इसी को इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। क्या करें हम, टैंक आते हैं कभी कदार, वो टैंक आते हैं तो उनमें लड़ाई होती है आपस में खून खून हमारे खून कच्चर होते हैं। महीने में आ गया, 2 महीने में आ गया, ये टैंकर का हिसाब है, यहाँ पर कोई बराबर नहीं आता, इसी के भरने का पानी पीते हैं हम तो। महीने में 1-2 बार आ गया टैंकर, और तो हम लोग नलका के पानी पी रहे हैं। टैंकर वगैरह तो आते हैं, उसमें बड़ी भीड़ होती है, हफ्ते में 1 टैंकर आता है, इतनी पब्लिक है, 4 गलियों के बीच में 1 टैंकर आता है, पानी की दिक्कत है। पानी नहीं है, हफ्ते में 1 ही बार टैंकर आता है यहाँ पर, तो वो भी लाइन लगाना पड़ती, पानी मिलता भी है नहीं मिलता है, और पानी के लिए दिक्कत है, पानी टैंकर के लिए पानी भी नहीं आता, पानी की बहुत दिक्कत है लोगों को, टैंकर में दिक्कत होती है। रोड नहीं, कोई पानी नहीं कुछ है, हफ्तों में महीनों में टैंकर आ रहे हैं, हफ्तों में पानी मिल रहा है। और साफ तौर पर जो पानी की समस्या ही यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, जिसे दिल्ली सरकार को भी देखना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को भी देखना चाहिए कि जिस तरीके से वो फ्री में पानी देने की बात कर रहे हैं, पहले यहाँ पे पानी तो पहुँचा दें जिसके बाद में वो फ्री यहाँ पे दे सकें। कैमरा पर्सन राजू चौहान के साथ मैं अली अब्बास नकवी, A2Z न्यूज़ दिल्ली। अखिलेश जी ये केवल बेगमपुर इलाके का हमने जायज़ा लिया है, हमारे संवाददाताओं ने हमारी टीम ने दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में जाकर के बातचीत की, समय के अभाव की वजह से उस सारे इलाकों की तस्वीरें हम नहीं पेश कर पा रहे हैं। क्या दिल्ली की जनता को क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए 243 कॉलोनियों में काम पूरा किया जा चुका है पिछले साल में, पानी की पाइपलाइन का, जहाँ पर पानी हो गया आपका 600 और कॉलोनियों में, आपकी साल के लिए बजट में सारी अनंतराज कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए बजट में प्रोविजन किया जा चुका है। और बजट तो आपका सारा उसमें चला गया विज्ञापनों में जी,
प्रेस टेलीविजनों में अखबारों में जा रहा है। अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शर्म आनी चाहिए, दिल्ली के टैक्स पेयर का इतना मेहनत का पैसा और आप इस तरीके से उड़ा रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं हम आम आदमी हैं, दो दो लाख रुपए तुम्हारी सैलरी हो गई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चलिए अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शर्म आनी चाहिए, जनता का पैसा खून की तरह चूस रहे हो। ये जैसे कि अखिलेश जी ने कहा है कि हमने बहुत सारी कॉलोनियों में पाइपलाइन पहुंचाने की कोशिश की है, हालांकि जो जायजा लिया गया उसमें ये पाया गया है कि पानी की वास्तव में बहुत ज्यादा दिक्कत है दिल्ली में। गर्ग साहब, मैं समझता हूँ ये आप इस पार्टी को इतना सीरियसली कब तक लेंगे मैं ये नहीं समझ पा रहा। पानी भेजना कोई आसान काम नहीं है, पानी के टैंकर अवेलेबल नहीं होते क्योंकि टैंकर केवल तेल के लिए बनते हैं। दिल्ली के अंदर माफियाज का कब्जा, जो टैंकर दिल्ली के उनको वहाँ भेज देंगे तो ये जो हफ्ते में एक दिन पानी मिलता था ये मिलना बंद हो जाएगा। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। इन्होंने 500 स्कूल हर साल बनाने का वायदा किया था, इन्होंने आधे रेट बिजली के करने की बात की थी। आपका मेरा तो नहीं हुआ, किसी स्कूल का, कॉलेज का, दुकानदार का, फैक्ट्री वाले का, किसी का एक पैसा घटा हो तो आज देश के अंदर बिजली 5 रुपये यूनिट में अवेलेबल है, तो दिल्ली के अंदर 10 रुपये यूनिट में बिजली क्यों दी जा रही है मुझे बताएं। पानी का 20,000 कहना चाहूंगा, बिजली कंपनियों के खिलाफ इन्होंने सबसे ज्यादा शोर मचाया था और अरविंद केजरीवाल एक नंबर के बेईमान हैं और ये बिजली कंपनियों से साठगांठ करके पैसा खा रहे हैं और जनता को पानी की समस्या दिल्ली में बहुत ज्यादा बड़ी है और पिछले कई दिनों पूरे देश में समस्या है। इलाकों में बचत करें, पानी पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल आज आप हमारी इस खास पेशकश में बातचीत के लिए शामिल हुए सुनील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नंद किशोर गर्ग साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर सी बात है कि दिल्ली में पानी की समस्या सबसे बड़ी है, ऐसी स्थिति में दिल्ली से लातूर पानी भेज पाना कितना संभव हो पाएगा दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते होंगे। फिलहाल सवाल यही खड़ा हुआ है कि दिल्ली की प्यास कब बुझ पाएगी। फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए ए टू जेड न्यूज़। नमस्कार।